अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नूडल के एक पैकेट, एक अंडे से ब्रेड की एक नई तरीके से बनने वाली रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले आपने इस तरह की रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी। या आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, या फिर चाय के साथ अपनी फैमिली को स्नैक्स के तौर पर बना के दे सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। ये देखिए जी, नूडल की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया। इसमें 1 कप हम पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम अपने नूडल डाल देंगे। नूडल आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हैं, चिकन, चटपटा, कोई सा भी आप ले लें, मैगी ले लें। इसके साथ जो पैकेट मिलता है मसाले का, वो भी इसी के साथ हम डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। ये देखिए जी, नूडल हमारे पक गए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर ये नूडल अपने डाल दूंगी जो हमने रेडी करके रखे हुए थे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर टमाटो केचप का डालूंगी और इसको अच्छी तरह हम इस तरह मिक्स कर देंगे। ये मैंने एक अंडा लिया, ये उबला हुआ अंडा है। इसको हम छोटे छोटे क्यूब में कट करके डालेंगे इसके अंदर। आप चाहे तो कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं, इस तरह क्यूब में भी काट के डाल सकते हैं। अंडा डाल के मैं फिर से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। ये देखिए, ये मैंने ब्रेड ली है, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके हम किनारे काट लेंगे चारों साइडों से। और बेलन के साथ हम इसको प्रेस करके पतला सा कर लेंगे। आहिस्ता से कीजिएगा, ज़ोर से हम नहीं दबाएंगे, नहीं तो ब्रेड हमारा टूट जाएगा। ये देखिए, इतना ही हमें पतला चाहिए। इस सारे ब्रेड को इस तरह मैं बेल लूँगी। ये देखिए, अब मैं 1 चम्मच इसके अंदर वो बैटर रखूँगी नूडल वाला। ये एक मैंने अंडा लिया जिसको मैंने फेंट लिया। ये हम किसी ब्रश के साथ इस तरह चारों साइडों पे लगा देंगे। और ब्रेड को इस तरह ऊपर फोल्ड करके हम हल्के हाथों से दबा देंगे इसके किनारे, ताकि खुले ना। ये देखिए, इसी तरह हम सारे ब्रेड रेडी कर लेते हैं। ये देखिए जी, सारी पैटीज हमने बना ली हैं ब्रेड की। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लूँगी। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। नीचे हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है, इसको हाई फ्लेम पे हम नहीं पकाएंगे। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ब्रेड हमारे जल जाएंगे बहुत ज़्यादा। हमें इसको लाइट ब्राउन कलर ही देना, ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे। ऑयल को पहले अच्छे सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद आप मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका ले, दोनों साइडों से बहुत प्यारा सा कलर ले आए। ये देखिए माशाल्लाह, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। बस हमें इतना ही चाहिए। ये देखिए जी, दोनों साइडों से प्यारा सा कलर आ गया। अब हम चम्मच के साथ इसको साइडें चेंज करेंगे। अब इनको हम निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्रेड को हमें जलाना नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती हैं, गोल्डन सी हो जाती हैं, इसलिए आप एहतियात के साथ इसको फ्राई कीजिएगा। अब जो हमारे दूसरे रह गए, हम उनको भी इसी तरह ही फ्राई करेंगे।
ये बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है और घर की चीज़ों से ही बन जाती है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी मज़े की पैटिस बन के रेडी हो गई हैं, ऊपर से कितनी क्रिस्पी हैं ये देखें, और कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया इनका। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। अंदर से ये इतनी जूसी होती हैं और ऊपर से इतनी क्रिस्पी होती हैं, बहुत मज़े की बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।